वेल्डर प्रतिभा अकेडमी, इट्स रोहित सराफ। नाउ वी कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑन रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम हमने किया था रियल नंबर्स, कंप्लीट हो गया था हमारा, एक्चुअली कंप्लीट सब कुछ हो गया था, लेकिन दिक्कत क्या, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बड़ी गुस्सा आती है यार, पूरा लेक्चर कर लिया था मैंने, एक घंटे का रिकॉर्ड हुआ ही नहीं वो। वापस मेहनत करवाते यार इन लोग, क्या होता है पता, क्या भी टीम भी करती रहती है, देखा नहीं रहा रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, पता नहीं क्या, बैठ के फंटा और कोका कोला पीते बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, अपन क्या होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर करते हैं ना। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज ऑन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना, कोई भी नंबर होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है, और इसमें q इज नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर होगा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना, सॉरी q इज नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म p बाई क्यू एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, तो इस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, देखो अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर भी टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना, पहला होता है टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। देखो टर्मिनेटिंग क्या हुआ, टर्मिनेट जो सुना होगा हमने, हमने नहीं आपने सुना होगा यार, हम क्यों सुनेंगे, ठीक है, तुमने सुना होगा कि टर्मिनेट हो गए, मतलब जैसे आपने परीक्षा में गए और मारी नकल, ठीक है, आप परीक्षा में गए और मारी नकल, है ना, पकड़ गए तुम, तुमको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया स्कूल से, अच्छी स्कूल वाले, लोकल स्कूल वाले तो बोलेंगे चलो चलने दो यार, क्या चल रहा है, वो खुद है बोर्ड में लिखवा लिखवा के पढ़ा देते हैं, चलो लिख लो कॉपी में, है ना, लेकिन अगर तुमने सही से कि सही की स्कूल, सही सी स्कूल हो, वहां पर नकल मारते हो पकड़े गए, नकल मारना ऐसा नहीं दूसरे कॉपी से देखना, वो तो नॉर्मल है, वो तो सब करते हो, वो जरूरी है करना यार, टैली करना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप सीरीज रख के बैठे हो, है ना, सीरीज रख के बैठे हो, मोबाइल रख के बैठे हो, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है ना एग्जाम से, तो उसको मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब आप खत्म, टाटा बाय बाय वाला सिस्टम, है ना, जैसे अपन देखो मान लो 0.25, है ना, किसी नंबर को डिवाइड किया हमने, आंसर है 0.25, खत्म, इतने पूरा डिवाइड हो गया, है ना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेट हो गया, है ना, मान लो यार 2/4, है ना, तो क्या आएगा 0.5, है ना, ये वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, रेकरिंग रेशनल नंबर। देखो अब क्या हुआ, पहला तो क्लियर हो गया आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, अब सेकंड नंबर हो गया अपना कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, मतलब वो खत्म नहीं होगा, बट रेकरिंग मतलब रिपीट होगा, रेकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, ठीक है, सो इसको देखो अपन, जैसे अपना आ रहा है 0.25 कंटिन्यू 25 आया जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा भैया, कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, चलो ये कंडीशन हुई, है ना, बट रेकरिंग मतलब मतलब कंटिन्यू इसको रिपीट करता जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव बट रेकरिंग रेशनल नंबर, है ना, ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। आप देखो थर्ड टाइप क्या होता है, वो इरेशनल नंबर के अंदर आता है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, बोलो भाई, गद्दा लगा सो के पड़े उसको देखो, वो देखो उसको गर्दा बैठा है, मुंह घुसा के बिल्कुल गर्दा में, और समझ में आ जा सब उसको भाई, गर्दा से मुंह निकाल ले यार, क्लास चल रही है, देखो पहले क्या होता ना, बच्चे बैठे हैं क्लास में, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ ना, तो वही आधे लेटे पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं, गर्दम पड़े हैं, गद्दम पड़े हैं, मुंह घुसा के बिल्कुल, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, फिर अचानक उठेंगे, हाँ 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 हाँ, ये रेकरिंग क्या होता है, अरे दादा बोर्ड में देख लो, बिस्तर से उठो, चलो आराम से उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेट के पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान दो ना, आँख भी बंद करके ना बैठो ना, कि बिल्कुल आँखें बंद करके बैठ गए, बिल्कुल सो गए हैं विष्णु जी की
उपाधि, बिल्कुल। तो ये नहीं, आराम से बैठ के पढ़ो जैसे पढ़े हो, लेकिन पढ़ो, है ना, आँख खोली रखो और ना नोट करते जाना कॉपी में, बता रहा हूँ मैं, है ना, बाद में दिक्कत नहीं करना कि जब नंबर अभी क्वेश्चन आएंगे ना अच्छे खासे तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ पहले, है ना, क्लियर मतलब ठीक है, अब समझदार हो यार तुम लोग, है ना। अब देखो थर्ड नंबर क्या था अपना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पढ़ लिया तुमने, मतलब टर्मिनेट हुआ है ना, बट नहीं टर्मिनेट नहीं हुआ, बट क्या हुआ, कंटिन्यू वही 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 रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, है ना, ना टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ना टर्मिनेट हो रहा है, बहुत ढीठ है, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कंटिन्यू वही वही आ रहा है ना, तो वह परेशान रहता, अब क्या किया जाए भैया, अखन कुछ नया नाम रखना पड़ेगा अपने का। तो जब इसको नया नाम रखने का पड़ेगा तो इसमें बोला कि नया नाम रखते अपन इसका इरेशनल, इरेशनल नंबर, है ना, रेशनल नहीं, अब बोले भैया बहुत नाम रख दिया अब खत्म, अपना ये प्रॉपर्टी कर रहा है ना ये कर रहा है ना, तो अपन इसको बोलते हैं सीधे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको यहां पर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर खत्म हुआ, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा यार, इतने समझदार हो तुम लोग ऐसा मेरे को लगता है, नहीं हो तो बता दियो, अगर समझ में नहीं आया हो, है ना, तो एक काम करना, वीडियो रोकना और पीछे से 5 मिनट बैक करके देख लियो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज कर देना यार, मैं वापस रिपीट कर दूंगा इसको, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट क्या आता अपना, नेक्स्ट क्या आता भैया, नेक्स्ट बोलो यार तुम लोग को कुछ याद है कि नहीं नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर आते हैं, ठीक है। अब हमारे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन और फ्रिक्शन मत समझ लेना यार, आधे लोग तो कंफ्यूज, अरे फ्रैक्शन अब वो पढ़ेगा फ्रिक्शन लगता है, अपोजिट लगता है, मैकेनिक्स पहुंच गए भाई, फ्रैक्शन है फ्रिक्शन नहीं है, है ना। तो देखो फ्रैक्शन क्या होता है, एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, घबराने हिंदी मीडियम वालों, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एनी रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैसी आवाज लगे, सही है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये अपना क्या कहलाएगा, इसको पर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन बोलते हैं, चलो ठीक है। सो फ्रैक्शन भी अपने दो टाइप के होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर अपना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और सेकेंड टाइप क्या होता है, ऑब्वियसली यार इतना तो तुम जानते ही हो, जब एक प्रॉपर होगा दूसरा क्या होगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चलो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बोलो भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, देखो फ्रैक्शन क्या हुआ, पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ फ्रैक्शन, बोले क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हुआ फ्रैक्शन। अब क्या बोल रहे हैं, अरे यार तू भी क्या लिख दिया, क्यू इज नॉट इक्वल टू वन होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू वन, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो अपना वो था क्या, रेशनल नंबर था, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। अब बोलो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, P is less than Q होगा, P by Q के फॉर्म में होगा, P is less than Q होगा, बोलो रे बाबा, बोलो सही है, हाँ भैया सही है, हम बता रहे हैं ना, तुम क्या बताओगे, है ना। तो P by Q के फॉर्म में होगा, P is less than Q होगा, ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। लाइक इसका आंसर क्या आएगा तुम खुद बताओ, पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा क्योंकि सीधी सी बात है, समझो ना। पी इज लेस देन क्यू है, पी इज लेस देन क्यू है ना। अगर मान लो 2/4 करोगे तो 0.5 ही आएगा ना, है ना। तो ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है तो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं अपन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली जब प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट होगा, दिमाग नहीं लगाने का, सीधी की सीधी सीधा अपना वो है टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। दिमाग नहीं लगाने का, जैसे दिमाग कब नहीं लगाते पता है आपको, जब आप पढ़ोगे पॉलिटी, है ना, एफटी के बाद अपनी मैथ की क्लास होगी, फिर अपना क्या एक हिस्ट्री एंड पॉलिटी साथ साथ में चलता जाएगा, है ना। तो पॉलिटी में जब पढ़ोगे ना, राष्ट्रपति और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जो राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम लोग कुछ याद नहीं करना पड़ता, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम होता है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो वो होता है ना, बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी आती नीचे, है ना। वो अपन पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये हुआ, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। अब क्यू इज लेस देन पी, ठीक है, क्यू इज लेस देन पी, है ना। मतलब अब 4/2 हो गया, 2^4 खत्म, तो ये अपना हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये अपना फ्रैक्शन हो गया। समझ में कि नहीं आया, बोलो भाई बोलो, उठ जाओ तकिया से, बिस्तर से उठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ भैया, यहाँ मास्टर परेशान है लिख लिख के, यहाँ भैया बैठे हैं बिल्कुल आसन लगा के, बिल्कुल बैठे हैं, ठीक है, है ना। चलो नया अपना अब क्या आएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बोलो, कहाँ बोल पाओगे यार, वो देखो उसको जूम में भी हो ना तुम, ना हद मचाए हो। चलो ठीक है, तुम आओ लाइव क्लास में, थोड़ी लॉकडाउन खत्म हुआ पता नहीं कब होगा, तुम वो बताते हैं फिर, बहुत इंजॉय कर रहे हो बैठ के, ठीक है। अब आया इंटीजर, आई एन इंटीजर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, आई एन टी जी ई आर, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर क्या होता है, देखो एनी नंबर, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का। देखो अपन इसको समझे इंटीजर को, कि अपन जो रेशनल नंबर पढ़ा ना, अपन ने जो रेशनल नंबर पढ़ा है ना, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में था, है ना, अब इसमें अगर क्यू इज इक्वल टू 1 कर दिया अपन ने, ठीक है, एनी रेशनल नंबर का फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। अब इंटीजर क्या है, खींच लो, खींच लो, बिल्कुल लाइन खींच लो, है ना, खींच लो, खाना खींच लो, ठीक है। अब खींच लिया 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये प्रॉपर होते हैं, है ना, इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, जब पी बाई क्यू बाई क्यू इक्वल टू 1 होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ से आएगा, ठीक है। अब समझ रहा हो ना, समझ में आ रहा है, हाँ। देखो अब एक मित्रगण ने पूछा, अभी जो उसने पढ़ा था हमारी क्लास जो लिया है ना, मित्रगण ने पूछा, महाशय ने पूछा, अब बताओ भैया 0.5 इंटीजर है कि नहीं है। अब वो चस्के में थे, बिना कॉफी पिए बैठे थे बिल्कुल, तो वो उसको रियल नंबर दिमाग में बैठा हुआ था, अब बोल दिया भैया 0.5, अरे गुरु जी ने बताया 0.5 क्या बात कर रहे हो यार, 0.5 ये है तो ये तो हो गया इंटीजर। हम बोले यहाँ बेटा, यहाँ बिल्कुल फोड़ दिया सीरीज का, यहाँ दीवार ये अपनी बोर्ड में, है ना, ये क्या है भैया, अभी गर्द लगा के सो लो सब ला, फिर बताना उल्टा सीधा चारों तरफ, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी वो रखो दिमाग में, है ना, बिल्कुल नोट करते जाने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालते जाएंगे अपन, क्वेश्चन उड़ाएंगे लाइन से, ठीक है। लेकिन बेसिक बिल्कुल क्लियर रखना, ये सब पूछ देता बीच में, इंटीजर बोल दिया तुमसे कुछ भी घुसा दिया उसमें, है ना, नेचुरल नंबर बोल रहा है तुम जीरो घुसा दे रहे हो उसमें, है ना, तो ये नहीं करना। तो यहाँ पर जो बेसिक गलती होती है उसको सुधारना अपने को, है ना, इसलिए बेसिक पढ़ाई जा रहा अच्छे से, ठीक है।
देखो पी बाई क्यू में क्यू अगर वन होगा है ना तो पॉइंट आने वाला नहीं है, तो माइनस ऑफ माइनस टू यहां जितना जा रहा है इन्फिनिटी, यहां जितना इन्फिनिटी जा रहा है सो अपना क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक है, अब जीरो क्या है, पॉइंट से जीरो क्या है, यहां तो पॉजिटिव यहां से निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, जीरो क्या होता है, जीरो कहता है इवन इंटीजर। जीरो अपना क्या होता है इवन इंटीजर कहलाता है ना, बहुत सारे मतलब नॉर्मल सीधे ही पूछ लेता क्वेश्चन में कि जीरो क्या है अपना, जीरो अपना इवन इंटीजर है। ठीक है सर, मैं इंटीजर में कोई दिमाग नहीं लगा रहा है इंटीजर का, तो इतना तुमने बहुत पढ़ा होगा तुमको ऐसे याद होगा, लेकिन हम बेसिक वालों के लिए कर रहे हैं ना साथ में कि बेसिक जो आया ना उसको अब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या अपना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होगा, जब ना पॉजिटिव इंटीजर होगा, अब सर जल्दी निकालते हैं अपन इसको, पता है क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, है ना, जहां मेरे को लगेगा जोर देना है मैंने जोर दिया शुरू बहुत ज्यादा रियल नंबर में इंटीजर में है ना फ्रैक्शन में है ना, अब यहां पर क्या सिंपल है, नेचुरल नंबर क्या होगा पूरे पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा अपना नेचुरल नंबर होगा है ना, जीरो इंक्लूड मत करना भैया, पहले बता दे रहे हैं, यहां बहुत गलती होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है नेचुरल नंबर है जीरो ऐड कर दिया निपट दिया क्वेश्चन निपटा दिया तुमने है ना, जीरो ऐड मत कर देना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बस नथिंग एल्स। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या आता है व्होल नंबर, व्होल नंबर क्या होता है अपना, व्होल नंबर क्या होता है अपन जो वो होता है नेचुरल नंबर है ना, जो अपना नेचुरल नंबर होता है ना, व्होल नंबर क्या होगा अपना नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो अपना क्या होगा व्होल नंबर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो व्होल नंबर कहलाएगा अपना। ठीक है, खत्म। अब क्या आएगा नेक्स्ट, इवन नंबर ऑड नंबर। देखो इवन नंबर क्या होगा, जो भी दो से डिवाइड हो रहा है, दो चार छ आठ यानी, ठीक है आगे तक चलता जाएगा, ये अपना क्या आएगा इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऑड नंबर क्या कहलाएगा, जो भी दो से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है सारे ऑड कहलाएंगे। ठीक है, जो भी दो से डिवाइड नहीं होगा सारे ऑड कहलाएंगे, इवन नंबर हो गया ऑड नंबर हो गया। ठीक है, जैसे अपना तीन हो गया है ना, पाँच हो गया है ना, ये सारे ऑड नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, इवन हो गया ऑड हो गया, अब मान लो अगर ये माइनस टू माइनस फोर हुआ ना, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं अपन, इवन तो है ऑल दो इसको निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या अपना है ना, इसे क्या बोला जाता है, इवन निगेटिव इंटीजर, इवन इंटीजर बोल सकते हो, इवन निगेटिव इंटीजर बोल सकते हो है ना। ठीक है, अपना क्या बचे आया, अब बचा प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है, सब नोट करते जाना साथ साथ में। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना हिंदी में, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश में तुमको सारी बुकों में मिलेगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में एक बार नोट कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अपना अब क्या प्राइम नंबर क्या कहलाता है ना, जो भी नंबर खुद से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा है ना, जो भी नंबर खुद से डिवाइड होगा वन से डिवाइड होगा उसके बोलते हैं प्राइम नंबर कहलाता है ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं भैया, प्राइम नंबर अलग है, दिमाग चलता है इनका, चुनाव में दिमाग रहता है चारों तरफ है ना, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे अपना दो हो गया वन से डिवाइड होगा खुद से डिवाइड होगा, तीन हो गया पाँच हो गया है ना, सात हो गया, सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उनमें आगे बात, कंपोजिट
कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो अदर से भी डिवाइड होगा कंपोजिट कहलाएगा, है ना, जो अपने अलावा एक के अलावा और भी उनसे डिवाइड होगा संख्या से उनको क्या बोलेंगे, पर कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब देखो प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, अब क्या आता है वन। बोलो गुरुजी ये क्या बता रहे हो यार, सब तो बता दिया, अब क्या बोल रहे हो, वन अलग आ गया। हाँ भैया वन अलग आ गया। बोलो गुरुजी क्या बात कर रहे हो, बोले यहाँ हो बेटा समझाते हैं, यहाँ हो यहाँ हो। देखो प्राइम हुआ जो खुद से डिवाइड होता वन से डिवाइड हो रहा था, कंपोजिट जो वन से डिवाइड हो रहा था खुद से डिवाइड हो रहा था और किसी से भी डिवाइड हो रहा था। अब वन क्या होता है, नॉन प्राइम एंड नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट क्या कहलाता है अपना, वन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अपन फैक्टर पढ़ेंगे ना तो वो बहुत यूज का पता है ना, ये अगर फैक्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें पूछता है बताओ ये क्या बोलते हैं कंपोजिट फैक्टर कौन है, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, कौन कौन से कंपोजिट है ना। तो अपन क्या होता है जो टोटल फैक्टर होता है ना अपना, टोटल फैक्टर इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर प्लस कंपोजिट फैक्टर प्लस वन, ठीक है। प्राइम फैक्टर अपन को इजीली पता चल जाता है, वन तो पता ही होता है, टोटल फैक्टर अपन निकाल लेते हैं। तो कंपोजिट कैसे निकलता है, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर माइनस कर दिया, माइनस वन कर दिया, अपना कंपोजिट फैक्टर आ गया, है ना। सो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब नंबर सिस्टम खत्म। क्या बोले प्रफुल बोलते थे ना, खिचड़ी देखा हो तुमने कभी जिंदगी में, तो तुम कहाँ, तुम डोरेमोन वाले हो यार, तुम खिचड़ी उचड़ी वाले हो नहीं, तुम टप्पू और डोरेमोन वाले हो। खिचड़ी का जमाना अलग हुआ करता था, उसे प्रफुल हुआ करता था, उसको क्या था, जब कुछ खत्म खत्म सब खत्म। चलो अब अपन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल है ना, डिविजिबिलिटी रूल। चल देख लेते हैं यार एक बार, चलो डिविजिबिलिटी रूल। सो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एनी नंबर, तो फॉर टू के लिए क्या, एनी नंबर डिवाइड बाय टू में क्या होता है, अगर उसका लास्ट वाली संख्या है ना, जैसे मान लो 42 है, अगर लास्ट ये डिवाइड हो रहा है टू से, है ना, 44 है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल बाय टू, है ना, इसको डिविजिबल बाय टू बोलते हैं। बहुत सिंपल है यार, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट पड़ता है, देखो बता दो पढ़ा सब देते हैं, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, दो का तो आपको पता ही है ना, तीन का क्या होता है, थ्री का क्या होता है, अगर ना जो सम होगा, जो सम होगा है ना, मान लो 24, अगर इनका सम 2+4 इज इक्वल टू 6, अगर इसका सम तीन से डिवाइड हो रहा है ना, जो भी अपन नंबर सीट नंबर लेंगे, अगर उसका सम थ्री से डिवाइड होगा तो नंबर डिवाइड बाय थ्री होगा, ठीक है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल खत्म। फोर का क्या है, टू का हो गया, थ्री का हो गया, फोर का क्या होगा भैया, बोलो फोर का क्या होगा, अगर लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाय फोर होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय फोर होगा, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट मान लो देखो अपने करना है 424 448, ठीक है, लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाय फोर है ना, तो वो नंबर डिवाइड बाय फोर होगा, ठीक है, हो गया फोर का। ये बहुत सिंपल है, देखो डिविजिबिलिटी रूल ना बहुत सिंपल है। जैसे नंबर सिस्टम ना समझना जरूरी क्यों था, क्योंकि नंबर सिस्टम में होता क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत, हर क्वेश्चन में घुसा देता बीच में नंबर सिस्टम, है ना, फिर होता बच्चों से बनता ही नहीं है, तो इसलिए नंबर सिस्टम बहुत डीप में पढ़ना था, है ना। और डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आपको टू का तो पहले पता है, फोर का पता है, तीन का बहुत कम लोग को मतलब पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा, है ना, तो तीन का दिक्कत होती है, तीन में लोगों को ज़्यादा उत्तर पता होता नहीं है, है ना, जैसे सम होगा तीन से डिवाइड होगा तो इजीली डिवाइड कर ले जाते हैं, ठीक है। चार का हो गया, पांच का और सिंपल है,
है ना, अगर किसी के लास्ट में जीरो होगा या पांच होगा तो पांच से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, 50 हो गया, 55 हो गया, है ना, ये पांच से डिवाइड होगा। अब तुम बोल लो भैया ये बताओ 52 है कि नहीं है पांच से डिवाइड, है ना, बोले यार यहाँ तो पांच है, हम बोले आओ बेटा क्या बताया तुमको, यहाँ पांच होना चाहिए इकाई में, मतलब क्या हो गया वंस डिजिट, है ना। आधे लोग इकाई नहीं पता है ना, बहुत अंग्रेज भर गए यार क्लास में, अंग्रेज है अंग्रेज है, तो पता है नहीं हिंदी इकाई दहाई कुछ सुने आज तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, नहीं नहीं सुने, कहाँ सुने हो गया यार, कॉन्वेंट वाले हो सब, वंस टेंस यही पढ़ते हैं तुम लोग, है ना, वंस डिजिट टेंस डिजिट। अब जैसे ना बॉडमास रूल जो है ना, जो बॉडमास रूल है ना, तो बॉडमास रूल क्या होता है, बॉडमास पता नहीं क्या चला रखा है, बॉडमास रूल है ना, हम लोग क्या पढ़े ना बचपन से, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे हमको पता क्या पढ़ाया जाता था, हमको आज भी वही याद है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना उससे सॉल्व करते हैं, पता है क्या, हाँ देखो इसको अपन करते जाते हैं, पाँच का हो गया डिविजिबिलिटी रूल, है ना, पाँच का डन हो गया। अब देखो छः का क्या होता है अपना, देखो सिक्स का क्या होता है, है ना, पहली बात क्या, नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना, नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है, और जो सम होगा नंबर इवन होगा, देखो उसके रूल क्या है, नंबर इवन होगा और इसका जो सम होगा 3 + 6, है ना, सम क्या होगा डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, 9/3 डिवाइड हो रहा है ना फुली, तो डिवाइड बाय 6 होगा, है ना, ठीक है। तो यही मैं बता रहे थे अपन कि क्या अपन क्या पढ़ते थे, बॉडमास, नहीं बॉडमास बाद में आया, पता नहीं बॉडमास बाद में पढ़ा, 11वीं 12वीं में जो भी सुना, उससे पहले पता क्या पढ़ते थे अपन, हमको पढ़ाया जरा का करके पुनी भाग कर, सुनो आपको समझ में नहीं आएगा आधे को, लेकिन सुनो फिर भी सुनना पड़ेगा भैया, का करके पुनी भाग कर फिर कर जोड़ घटाओ, बोला क्या बोल गया भैया, संस्कृत, संस्कृत नहीं है हिंदी है, का करके पुनी भाग कर फिर कर जोड़ घटाओ, है ना, तो अपन ने ये पढ़ा, फिर बाद में बॉडमास पढ़ा क्योंकि आया सिलेबस में तो पढ़ना पड़ गया, कुछ नया नया लाया, कुछ नया नया है तो भाई लगता था बहुत नया नया है, फिर क्या हुआ जब पढ़े तो लगे भाई यही तो है जब पढ़े थे बचपन में, बस नाम चेंज कर दिया, थोड़ी अंग्रेजों टाइप बना दिया, अंग्रेजी मीडियम हो गया, है ना। चलो अब क्या अपना छः का हो गया, हाँ अब सात का देखो, आठ का क्या है अपना, आठ का अपना क्या है, आठ का अपना सिंपल है, लास्ट के तीन डिजिट अगर आठ से डिवाइड हो रहा है तो एट से डिविजिबल है, है ना, अगर किसी नंबर की लास्ट की थ्री डिजिट एट से डिवाइड होगी, है ना, तो क्या होगा, एट से डिविजिबल होगा। ठीक है एग्जांपल लेते हैं अपने, देखो जैसे अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका समझ में आए तो मुझे ज़्यादा अच्छा से, फोर सेवन 472, है ना, 47472 यही है ना, 47472। अब देखो ये लास्ट की थ्री डिजिट अगर आठ से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर आठ से डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड करके देखो भैया, करो यार भाग करो, भाग करो, भागना नहीं है भाग करो भैया, ठीक है, आठ पंच है 40, है ना, कितना बचा 7 बचा, 8 × 72 कट गया ना, अगर ये लास्ट थ्री डिजिट कट रही है मतलब कट रही मतलब डिवाइड हो रही है, यार भैया बहुत है अंग्रेज है यार, ठीक है। अब हुआ अब तो सीधी सी बात है, अगर लास्ट के तीन डिजिट डिवाइड होंगी 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड कितने होगा 8 से होगा, है ना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। अब आता है 9 का, 8 का 9 का, अब 9 का क्या सिंपल है ना, 9 का अपना सिंपल है, अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा, कोई नंबर डिविजिबल होगा 9 से, मतलब कैसे पता चलेगा 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर उसका सम है ना, उसका सम अगर 9 से डिवाइड होगा, मतलब देखो 36 6 + 3 है ना 9 से डिवाइड कर दिए 1, ठीक है, किसी का सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 10 का क्या ही बताना, अगर लास्ट में जीरो होगा तो 10 से डिवाइड होगा, है ना,
तो 10 का तो भैया अब मत बोलो यार, बताने के लिए इतना तुमको पता ही है ना। अपन आते 11 का, ये है सबसे खतरनाक क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं काफी। देखो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी नंबर, मतलब मान लो अपन कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन 1331 है ना, अगर जो ये मतलब जो क्या बोलते हैं अपना, हाँ इवन नंबर डिजिट आएंगी अपनी, ठीक है, मतलब जो इवन प्लेस में है और जो ऑड प्लेस में है ना, उसका अगर डी उसको अपन माइनस करेंगे है ना, तो जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड होगा या फिर 0 होगा तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, है ना। बोले गुरु जी समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं, ठीक है। तो देखो ऑड प्लेस में क्या है 1 एंड 3, इवन प्लेस में क्या है 3 एंड 1, है ना। तो क्या करो 1 प्लस 3 ऑड प्लेस वाला, ये ऑड प्लेस और ये ऑड प्लेस है ना, 1 प्लस 3 ऑड प्लेस का है ना, माइनस इवन प्लेस का, इवन प्लेस ऑड प्लेस तो पता है ना, आप इवन नंबर ऑड नंबर बताए ना, तो ये ऑड प्लेस का 3 प्लस 1 है ना, अब दोनों को माइनस कर दो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगर 0 आ गया या फिर कोई भी नंबर जो 11 से डिवाइड होता है ना, तो नंबर डिविजिबल बाई 11 होता, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अपना डिविजिबिलिटी रूल खत्म हुआ, अपन नेक्स्ट कहाँ आएंगे, नेक्स्ट अपन आएंगे देखो ये तो आपको पता होगा ना, एलसीएम एचसीएफ पकड़ना 1/2 है, 2/3 है ना, इनका एलसीएम निकालना है ना, तो ये तो पता है ना, अब कैसे निकलता है। बोले नहीं पता गुरुजी, तो ठीक है हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना है ना, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर है ना अपॉन, चलो खत्म हो गई चौक, एक तो खत्म हुई है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ निकालते तो बनता होगा ना, नहीं बनता होगा तो बेसिक तो आती होगी, उसके बाद अपन अलग से उसकी क्लास ले लेंगे है ना, जब यह क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का समझ में आया आपको, मेन क्या है ना, वो तो सिंपल से आपसे आता ही होगा, एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, मान लो 2 1 का निकालना है, 2 और 1 का निकालना है, निकाल लिया है ना, मान लो 2 1 का तो बन जाएगा, मान लो 2 4 6 का निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 है ना, क्या करेंगे 3 into 2 into 2, क्या आया अपना 3 6 12, ये अपना एलसीएम क्या हुआ 12, आया दिमाग में है ना, ऐसे होता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, जैसे अगर 2 4 6 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 4 6, 2 1 कम 2 2 2 4, 2 3 6 है ना, 2 1 कम 2, 3 1 कम 2, अब कॉमन क्या है तीनों में, कॉमन क्या है 2, तो इसका क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है ना, अपना एचसीएफ होता है, ठीक है। एचसीएफ एचसीएफ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बोलो बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो, परे रहोगे बिल्कुल, बिस्तर में गर्दन मुंह घुसा है बिल्कुल, परे हैं बिल्कुल, कुछ बोल लो, ठीक है। अपन नेक्स्ट करेंगे, देखो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, अपन नेक्स्ट करेंगे साइक्लिसिटी है ना, साइक्लिसिटी है ना। साइक्लिसिटी में क्या होता है एक्चुअली में, साइक्लिसिटी यार तुमको एक टेबल है ना, वो टेबल आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं पढ़े हो तो आपको याद कराया गया होगा, याद नहीं करना टेबल,
ट्रिक होगी टेबल को याद करने की, है ना, ट्रिक को याद करना है टेबल को नहीं, ठीक याद कर ले, टेबल बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो ये होते हैं अपनी साइक्लिसिटी। और अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर नंबर सिस्टम में यार अभी क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन तो आएंगे यार बाद में, है ना। लेकिन साइक्लिसिटी होती क्यों है पता, ये बस जान लो अपन, क्लास खत्म करने पहले देख लेते कि अपने को यूनिट डिजिट जाननी। मान लो अगर 2 की पावर 467 है ना, अब बोलो भैया आपको यूनिट डिजिट चाहिए इसकी, है ना, तो आप बोलो भैया यूनिट डिजिट चलो लेके बैठे, 2 × 2 × 2 × 2 लगे हैं भैया, तो क्या हुआ करने बैठे, जब करके उठे तो आ गया बुढ़ापा, क्या हो गया आ गया बुढ़ापा, करने बैठे थे 12 की उम्र में, करके उठे 60 की उम्र में, ठीक है। बोले भैया आ गया यूनिट डिजिट, तो हम बोले यहाँ आओ बेटा, बोले यहाँ यहाँ आओ, यहाँ क्या लिखा था साइक्लिसिटी, इसको पढ़ लेते उम्र बच जाती, है ना, जिंदगी जी लेते, लेकिन नहीं, तो आपको क्या उम्र बचाना है जिंदगी बचाना है ना, यूनिट डिजिट जाननी है तो साइक्लिसिटी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन साइक्लिसिटी कब पढ़ेंगे, कल की क्लास से पढ़ेंगे, देखो कल का क्या शेड्यूल है, कल अपन साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स, है ना, फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, किसी भी नंबर के, है ना, फैक्टर पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ना अपने को कल, बेस सिस्टम करना है, है ना, बेस सिस्टम फैक्टोरियल, ये अपन कल करेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल की प्राइम क्लास है, और एट द एंड अपन 50 क्वेश्चन करेंगे एसएससी में जो आए हुए हैं, है ना, 50 क्वेश्चन में करेंगे जो एसएससी में आए हुए हैं, इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत सिंपल आते हैं यार, तुमको पता चलेगा तुम्हारी तैयारी क्या चल रही है, क्लास में जो करा रहा हूँ ना उससे बाहर किसी ने कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, मजा आया करने में, चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बताइए कैसा लगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स जिंदा है, कमेंट कर देना, नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया था पहली क्लास में, तो व्हाट्सएप में कमेंट कर देना, है ना, चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।